हेलो जी, क्या हाल आप सब लोगों का। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके साथ एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो वीडियो तो आप रोज़ ही देखते होंगे, नए नए कारनामे, नया नया सब कुछ चलता रहता है, मैं भी देखती रहती हूँ। असल में हम लोग का मसला ये है ना कि डे और नाइट का हम लोग का फ़र्क है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। मेरी वीडियो थोड़ी सी आपको लेट मिलती है। असल में मसला ये, अभी भी रात का टाइम है इधर, तो आप लोग के मुल्क में आप लोग के हिसाब से टाइम होता होगा और मेरे यहाँ पे मेरे हिसाब से टाइम है। तो मतलब मेरे हिसाब से टाइम नहीं चलता है, लेकिन मतलब टाइम अपना अपना अलग अलग होता है ना अपने अपने मुल्कों में, वो बात करी मैं। अच्छा जी, तो आज मैंने इन लोगों की वीडियो देखी थी। सुबह ही इन लोगों के नोटिफिकेशन शुरू हो जाते हैं, तो मतलब लगने लग जाती है ना इन लोगों की वीडियोस। मतलब इन लोगों के पास और काम ही नहीं है, हमारे पास ये होता है कि थोड़ा सा काम करके उसके बाद वीडियो देखी जाए। अच्छा जी, तो आज तो पहली बात ये है कि पहला जो मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था, अब मेरी फ्रेंड्स हैं वो मेरी वीडियोस देखती हैं, तो वो मुझे कहती हैं यार तुम तो मतलब अंतर्यामी बन गई हो ना, तो मैं तो पहले ही पता होता है कि तुम कह रही थी कि इन्होंने बुलड़ी जो है, जिसकी बुलड़ी प्रीक से ऐसे लाइनें मारी हुई हैं पेंसिल से, तो वो थोड़ा सा लिप फिलर्स करा ले बहुत अच्छी लगेगी। तो शायद लगेगी अच्छी, नहीं अच्छी नहीं लगेगी, लिप्स बदलने से क्या अच्छी लगेगी, शक्ल तो वही रहेगी ना उसकी। अच्छा, अगली बात ये है कि ना क्या कह रही थी बात, हाँ इन लोगों के जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कि मैविश है बुलड़ी, उसका एक चैनल इन्होंने एक्स्ट्रा बनवा देना है, क्योंकि अब बात ये है कि जब तक चैनल इन्होंने बनवाना था ना उसका, तो इसलिए इन्होंने रोका था उसका ना मुँह छुपाया हुआ था इन्होंने। मुझे तो पहले पता था क्योंकि इन्होंने उसका चैनल ज़रूर बनवाना है और उसका मुंह दिखा के बनाना है, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली, इनका बच्चा बच्चा, इनके बड़े छोटे जो इनके पैदा हुए होते सारी, बल्कि उनकी पैदाइश भी दिखाई गई है ना वीडियोज़ में। कोई मतलब छोटा मोटा इन लोगों ने काम नहीं किया, इन्होंने उसका पैदा होना भी दिखाया है कि वो किस टाइम पैदा हुआ है, क्या है। इन लोगों को तो कहीं पर लिख के रखने या वैसे याद रखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास सबूत के तौर पे चैनल्स पे वीडियो पड़ी हुई है। ये जब इनका दिल कर बेटा किन्ने हुए पैदा हुए यहाँ से, ठहर जा मैं भी हाले वीडियो करता हूँ, और जो तुहदे ना सोने की वीडियो होनी है, जे ये बिना गर्दन वाला आदमी ना उसका बच्चा हुआ था ना, सोने की वीडियो होगी, वो वीडियो मैं थानू दिखाता वहाँ, तो थानू उस पता लगेगा कि तुम कदों पैदा हुए थे। चलो मेरा सोना बेटा, मैं थानू वीडियो दिखाता वो, उन्हें कभी पूछने ही नहीं कि मेरे पापा कदों पैदा होया से या मम्मा मैं कदों पैदा होया से, क्योंकि उन्होंने तो फिर फुल पता ना, तो उन्होंने कोल तो वीडियो पईया हुई ने। अच्छा जी, अगली बात यह है कि उन्होंने कोल वीडियो पईया हुई, मैं तो सही बोला नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो गया मुझे अचानक से। तो बात ये है कि हाँ उनके पास तो वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो उनको तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है कि हम लोगों के कब बेटा पैदा हुआ है या बच्चा कब पैदा हुआ है, उन्होंने तो फटाफट वीडियोस निकाल लेनी है। हाँ, मेन मेरा टॉपिक ये था आज का कि जो हमारी बुलड़ी जी है, मिस बुलड़ी, मैं तो उसे बुलड़ी कहूँगी, हालाँकि उसके बुल बहुत ज़्यादा छोटे निकले हैं। वो छोटे मैंने आपको पहले भी बताया था कि छोटे बुल लाने की बड़ी वजह ये थी कि उनके लड़के के बुल बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो उनके लड़के के बुल बड़े थे ना, तो उन्होंने कहा अगर लड़की भी बहुत बड़े बड़े बुलों वाली आ गई तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बाहर की वजह से उनके ज़मीन बैठने लग जाए, क्योंकि पता है ना आपको बाहर ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा बहुत एहतियात करनी पड़ती होती है। अच्छा जी, और बुलड़ी देखें हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मतलब इतना ज़्यादा ये जो बाल अभी तो बनाती है ना बुलड़ी जी, ये बालों का फैशन बहुत पुराना है। जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे से थे ना, तब का फैशन है ये, ऐसे करके बिल्कुल माथे पे बाल उसे सेट किए होते हैं, मतलब अजीब सी लग रही होती है कि मतलब उसको ज़रा सेंस नहीं है कैसे तैयार होना है कैसे, और उन बालों को सेट करी जाती है, उसका चैनल बना दिया है। ये तो मुझे पता था कि उसका चैनल बनना ही बनना है, तो ये तो उसका शक्ल आप लोगों ने लाए थे ना उसके क्या कहते हैं उसके ऊपर वीडियो में, तो ये तो आप लोग शक्ल लाए थे उसकी कि अब शक्ल दिखाएंगे और इसको वीडियोस बनवाएंगे इसकी, तो ला के वही काम उन्होंने किया कि उसकी शक्ल दिखाई और वीडियोस उसकी बनानी शुरू कर दी अब इन लोगों ने। अच्छा जी, अब अगला काम ये है कि उन्होंने चैनल का नाम क्या रखा है। देखिए इन लोगों की सोच, इन लोग की, मुझे नहीं पता था इसका चैनल बन गया, वो तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी ना जब मैंने इसकी ब्लड की वीडियो देखी है, नीचे ना सास बहू, नीचे एक चाइल्ड, पता नहीं चाइल्ड ही क्या, ऐसे कोई गलत से स्पेलिंग निकले, और साथ उसमें उस्मान की फ़ोटो निकली, जिसकी वजह से मैं रुक गई, मैं कहीं इसमें ज़रूर कोई राज पोशीदा है, मैं इसको भी खोलती। मैंने जैसे ही इसको खोला, अंदर उस्मान बैठा हुआ था अपनी बीमार बहन के पास, और उसने चाइल्ड पता नहीं क्या मुझे लफ्ज़ भूल गया, सो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई थी कि इसको स्पेलिंग भी लिखने नहीं आते, मतलब क्या हो क्या?
अच्छा मुझे ना मतलब उसका चैनल मैंने खोल लिया, जो मैंने देखा खोल के तो उस पर जो मैंने उसकी चेहरा दिखाया है ना, शक्ल दिखाई है, सारी वीडियोस तब की ही थी, मतलब एक महीना पहले जब इन्होंने उसकी शक्ल दिखाई है सारी वीडियो ही इन्होंने तब की लगी, मतलब उसकी शक्ल दिखानी ही इन्होंने इसलिए थी ना कि उसकी शक्ल दिखाएंगे, उसकी शक्ल पे व्यूज़ आएंगे और व्यूज़ मतलब लेके तो आगे बढ़ा जाएगा, इसलिए तो उन्होंने चेहरा तो उसको दिखाना था और एक और चैनल का इजाफा भी कर लिया। बात ये नहीं है कि चैनल बना लिया इन्होंने तो उस पर व्यूज़ तो इसलिए आने ही आने हैं क्योंकि दो नंबरी हो रही है इधर फुल फुल, तो दो नंबरी जैसे बाकी चैनलों पर हो रही है, लगते इनकी वीडियोज़ आने लग जाती, इतने ये लोग फेमस लोग हैं कि सारे व्यूज़ आ जाते हैं, साथ इनके लोग भी आ जाते हैं, ये है वो है, मुझे समझ नहीं आती। चलो खैर, पर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इन लोगों ने महविश का भी चैनल बना देना है और वही हुआ कि महविश का चैनल बन गया। अच्छा जी, अगली बात अब ये है कि महविश का चैनल तो बन गया है, तो दूसरी बात मैंने ये करनी थी कि अलीवीर जो है तो उसके घर में आई हुई है उसकी आपी इरम आपी, तो ये कि उन्होंने पहले, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों से जिक्र किया था कि जो लोग बड़ी मतलब गलत गलत बातें कर रहे थे, ये है वो है ऐसे हो गया है वैसे हो गया है, मतलब बहुत कुछ चल रहा था, तो उसने आके एक ही वीडियो बनाई और इसमें एक ही वीडियो में उन्होंने सारे अपने जवाब दे दिए हैं। ठीक है, बात ये नहीं है कि आप किसी को एकदम छेड़ ही जाओगे, उस पर बार बार बात कर ही जाओगे और वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, कहता है हर कोई कहता है। अब ये है कि मेरा हिसाब ये है कि मैंने तो वीडियो बनानी है तो थोड़ी देख लेनी है लोगों की वीडियोज़, अव्वल मैं नहीं देखती हूँ मैं, हाँ नेट तो यूज़ होता है, रोज़ होता है, हर तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन बात ये है कि ख़ास प्रॉपर यूट्यूब इस मतलब मकसद के लिए नहीं। हाँ, इन लोगों का मकसद यही है ज़िंदगी मौत का कि हम लोगों ने सारे यूट्यूब चलाना है, उसी से हम लोगों ने पैसे कमाने हैं और उसी पर देखना है कि आज किसी ने क्या अपलोड किया है क्या नहीं किया। देखें, आप बनाएं वीडियो, वीडियोस बनाने में कुछ नहीं जाता, एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, कोई ऐसे नहीं बनानी चाहिए कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनाएं और वो भी फिर आप लोग के ख़िलाफ़ बनाएं, फिर आप लोग जब ख़िलाफ़ बनती है तो आप लोग को फिर तकलीफ़ होती है, तो अगले बंदे को भी तो देखें ना, जो इतनी देर से आप लोग के बकवास से सुन रहा था वो भी तो बर्दाश्त कर रहा था, उसने भी तो इतनी देर से आप लोग को बर्दाश्त किया है और बर्दाश्त कर करके इतना टाइम निकलवाया, अगर वो उस टाइम ही आप लोग को जवाब दे, और एक नहीं दो नहीं तीन तीन लोग उसके पीछे पड़े हुए थे और अब उसने एक बार में कहते ना जवाब दे देना सबको, सबकी इसने तबीयत सेट कर दी है, तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस बात पे कि तबीयत सेट होनी बनती भी थी सबकी और बन भी गई। बात यहाँ तक महदूद नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने एक और बंदे की वीडियो देखी, कोई हसन कुछ ऐसा टाइप उसका नाम था, मुझे नाम भूल गया उसका, उसमें भी ये जो गलत औरतें हैं गंदी औरतें हैं, इन लोगों ने मतलब यहाँ पे नहीं सिर्फ अपनी टांगे फंसाई हुई, इनों औरतों ने अपनी टांगे कहीं और भी फंसाई हुई हैं, मतलब और लोग के ख़िलाफ़ भी बना रही हैं और लोगों को जाके गालियाँ दे रही हैं वहाँ पे, वो किसी और आईडी से अपनी आईडी से मतलब उसे प्रॉपर स्क्रीन शॉट्स लगाए हुए हैं कि मैसेजेस के इस औरत की आईडी के, ये देखें कमेंट्स कर रही है जाके, मतलब उनको गलत कह रही है, उनको गालियां दे रही है, कुछ शर्म करो भाई, क्या किन कामों में तुम लोग पड़े हुए हो, क्या तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग की ज़िंदगी में कोई और मकसद नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई मतलब कोई जीने का मकसद नहीं है, बस यही तुम लोग का मकसद रह गया कि बस बैठे रहो ये वीडियोज़ बनाओ और मतलब झूठ सच बोलो, ठीक है करो, अपने भी लाइफ होती है, अपने बच्चे हैं, कोई मतलब अपनी बात बता दो, अपने बच्चों की बता दो, या आओ कोई हंसी की बात कर लो, ये तो नहीं कि प्रॉपर तरीके से तुम लोग उठा के मुंह के सारा दिन इसी चीज़ के पीछे लगे रहो, इसी चीज़ के पीछे लगे रहो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बात गलत है और गलत गलत ही रहता है, तो इन्हें भी अपनी बात ठीक करनी चाहिए ये, और आइंदा के लिए इन्हें भी ख्याल करना चाहिए कि ऐसा कुछ ना करें। पर नहीं, अच्छा इतनी होने के बाद भी ये लोग बाज नहीं आए कि इतनी हो गई है, इतनी मतलब मतलब इज्जत बेइज्जती इन लोगों को उस चीज़ से कोई नहीं है, इतनी ज़्यादा होने के बाद भी ये लोग बाज नहीं आए और फिर से वीडियोस बन रही हैं, रोज़ाना एक ही टॉपिक पे बन रही है, टॉपिक चेंज नहीं किया जा रहा है, जैसे इन लोगों को कोई ख़ास पैसे देता है कि इस बंदे के ख़िलाफ़ तुम लोगों ने बनानी है और इस बंदे के ही पीछे पड़े रहो, बस इनका ये मकसद है, इनके पैसे मिलने हैं तो इसी के सर पे मिलने हैं, यार बस भी कर दो, इतनी तुम लोगों की बेइज्जती हो गई है इससे, नहीं पता नहीं कहाँ कहाँ से तुम लोगों की हो रही है, तो तुम लोग प्लीज़ बस कर दो, बस आ जाओ, इतनी भी करवा के कहाँ जाना है तुम लोगों ने, कोई अपनी इज्जत होती है, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत तो होगी, चलो थोड़ी बहुत भी नहीं है, शर्म नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी लिहाज तो करना चाहिए। चलें, आप लोगों से अगली वीडियो में मिलते हैं, तो फिलहाल के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, आपके दोस्त मधुरी।